हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जुमांजी नेक्स्ट लेवल फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जिसे लेकर क्रिटिक्स की क्या राय है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं कि क्या ये फिल्म क्रिटिक्स को पसंद आई भी है या नहीं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट 2017 में देखा था, जिसकी रिलीज के बाद इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एक ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसके बाद ही बिना किसी देरी के इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी गई। जबकि अगर देखा जाए तो ये फिल्म जुमांजी के यूनिवर्स की तीसरी पार्ट मानी जाएगी और अभी जो पार्ट रिलीज होगा वो फोर्थ पार्ट। तो इसके बारे में भी मैंने आपको काफी बार समझाया है। तो सीधे आते हैं पॉइंट पर कि जब इस फिल्म को एक फ्रेश ब्रीथ के साथ हमारे सामने रखा गया 2017 में, तो हमें ये फिल्म बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगी और पूरे के पूरे कंटेंट में फोकस फिल्म की कॉमेडी पर किया गया था, जो कि हर एक जोक्स के साथ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बैठती है। और नो डाउट फिल्म का प्लॉट भी इंटरेस्टिंग था, जो एक अच्छी खासी हाइप भी बिल्ड करता है कि हमें ये फिल्म देखनी ही चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। बट फिल्म की सक्सेस के बाद इस पार्ट के सीक्वल की अनाउंसमेंट बहुत ही ज्यादा जल्दी की गई थी, वो भी रिलीज डेट के साथ, कि हमें ये फिल्म 13 दिसंबर 2019 तक देखने मिलेगी। और अब ये फिल्म उसी रिलीज डेट पर रिलीज हो रही है, जिसमें अगर कुछ डाउट्स की बात करें कि इतनी जल्दी फिल्म के पूरे सीक्वल के प्लॉट को लिख लेना आसान बात नहीं, और ऊपर से फिल्म में अच्छे जोक्स भी चाहिए और एक अच्छा प्लॉट भी, ताकि फिल्म लोगों को फिर से एंटरटेनिंग लगे। जबकि इस केस में अगर देखा जाए दूसरी हॉलीवुड फिल्मों को, तो फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस की कमाईयों पर ही बनाया जाता था, कि अगर जिस फिल्म का सीक्वल नहीं भी बनाना है तो उस फिल्म के सीक्वल को बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने अच्छी खासी कमाई की थी। बट इस केस में बात करें जुमांजी नेक्स्ट लेवल फिल्म की, तो क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर बिल्कुल ही अलग है। जी हां, क्रिटिक्स इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि फिल्म की रेटिंग्स ना तो IMDB पर अपडेट की गई है और ना ही रोटेन टमाटो पर, जो शायद आने वाले कुछ दिनों में कर दी जाए, लेकिन उससे पहले ही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है। ये फिल्म इसके प्रीक्वल के मुकाबले में कई गुना अच्छी है, और आप इस फिल्म को देखने के बाद यही कहोगे कि फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा मजा आपको फिल्म के सीक्वल में आया, जो कि हमें फिल्म के ट्रेलर को देखते वक्त लगता भी है कि फिल्म में काफी अच्छे अच्छे पंच लाइन्स डाले गए हैं, जिन्हें सुनने के बाद हम बहुत ही ज्यादा हंसेंगे। हालांकि फिल्म के हिंदी डबिंग ट्रेलर को देखकर मेरी हिंदी से उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है, और शायद हो सकता है कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट की ही तरह इस फिल्म के सीक्वल को भी डब किया गया हो, ताकि ये फिल्म हम इंडियन ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। अब ये बात तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी, खास करके जब ये फिल्म हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज होगी तो। लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस क्रिटिक्स इस फिल्म के सीक्वल को लेकर दिखा रहे हैं, उस रिस्पांस को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि डेफिनेटली फिल्म का सीक्वल बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया गया है, जिसमें क्रिटिक्स ज्यादा तारीफ सिर्फ दो ही एक्टर्स की कर रहे हैं, जिनमें से ऑब्वियसली एक नाम निकल कर आएगा केविन हार्ट्स का और दूसरा ड्वेन जॉनसन का, क्योंकि इस बार उन दोनों के ही कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं, और क्रिटिक्स के हिसाब से दोनों ही एक्टर उन नए कैरेक्टर्स में तो और जान डाल देते हैं और पूरी की पूरी फिल्म को फनी बनाने में कामयाब भी होते हैं। वेल, तो क्रिटिक्स के इस तरीके के रिस्पांस से मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। और अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने इस फिल्म से कितनी उम्मीदें लगा रखी है और क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है भी या नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।